सोमवती अमावस्या, तुलसी का और चावल का उपाय करने का दिन आ गया है। यह उपाय आप अपने पितरों के निमित्त और महादेव के निमित्त करेंगे तो आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां कटेंगी और मनोकामना भी पूर्ण होगी। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि प्रथम वाला उपाय, जो कि आप जानते होंगे, गुरु जी ने कहा है इसे सोमवार के दिन खासतौर पर महादेव के मंदिर में जाकर किया जाता है। किसी कारण से अगर आप हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, जीवन में बहुत अधिक परेशान हैं, तो जो प्रथम में चावल का उपाय बताने जा रही हूँ उसे करने का प्रयत्न करें। इसके बाद जानेंगे तुलसी का उपाय, जो कि आपके लिए बहुत कारगर रहेगा और श्रेष्ठ रहेगा। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। जो प्रथम वाला चावल का उपाय है वह सुनिए आपको कैसे जो है करना है। इस उपाय को आप महादेव के मंदिर में सबसे पहले जल समर्पित करेंगे, ठीक है। जल आपको समर्पित करना है, तत्पश्चात आपको चंदन लगाना है। पूरे शिवलिंग में जैसे भी आपकी इच्छा बनती है, त्रिपुंड बनाकर या ओम बनाकर आप चंदन लगाएं, जल चढ़ाएं, दीप लगाएं। और उसके बाद चंदन लगाने के बाद गुरु जी ने कहा है 108 चावल के दाने एक एक करके नहीं चढ़ाने हैं, अपने हाथ की हथेली में चावल के दाने लेने हैं और अपनी मनोकामना कहकर आप सभी को जो आपने चंदन बना रखा है ना, लगा रखा है शिवलिंग पर, उस पर आपको चिपका देना है। चिपकाना, जैसे आपके जो है हाथ से 108 पूर्ण रूप से चिपक नहीं पाते हैं तो आप सिर्फ लगा दीजिए, महादेव उन्हें स्पर्श कर चुके हैं और आपके मन की कामना पूर्ण हो चुकी है, समझ लीजिए। तो आपको कुछ भी इसमें पैसा नहीं लगना। महादेव को जो जल समर्पित होता है सोमवार के दिन वह अद्भुत होता है, दीप लगाया जाता है वह अद्भुत प्रभाव देता है, साथ ही चंदन तो इसमें परम सुख का कार्य करता है। तो चंदन लगाएं, दीप लगाएं, उसके बाद आप सभी को आवश्यक रूप से क्या करना है कि जो है जो चावल आप पूर्ण चावल ले गए हैं तो यह चंद्रमा से संबंध रखता है और मन की कामना पूर्ण करने में सहायक होते हैं, आपको चिपका देना है। जीवन में हार रहे हैं, दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं तो यह सरल सा उपाय इस सोमवती अमावस्या के दिन आपको बहुत फल देने वाला होगा, संकट कष्ट पीड़ा टाल देगा। अब जानते हैं तुलसी का उपाय। जैसे कि आप जानते होंगे जीवन का कार्य हो या मृत्यु का कार्य हो, उसमें तुलसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखती है। जब मृत्यु होती है व्यक्ति की, आपने देखा होगा मुख में तुलसी रखी जाती है, तो तुलसी का संबंध पितरों से बहुत अधिक होता है और यह तो साल की सबसे बड़ी जो है अमावस्या मानी जाती है। तो इस दिन आपको तुलसी का उपाय करना है। पहला जो तुलसी का उपाय है उसे सुनिए, इसके बाद दूसरा तुलसी का उपाय बताऊंगी। तुलसी की लकड़ी तो आपके घर पर होगी ही, वही तुलसी की लकड़ी आप ले लीजिए। तुलसी की लकड़ी को लेने के बाद आपको जो नहाने की आपकी बाल्टी होगी ना, भले ही एक ही टुकड़ा तुलसी हो, गुरुजी कहते हैं तुलसी की लकड़ी नहीं है तो आप तुलसी की माला को भी नहाने के पानी में ज़रूर से घुमा लीजिएगा। घुमा के आपको बाथरूम में उसे नहीं छोड़ना है, यह दोष है और आपकी कुंडली में इससे ग्रहों की दशा बहुत ख़राब हो सकती है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप सभी को क्या करना है कि तुलसी की लकड़ी को पूरा अच्छी तरह से उसमें घुमाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री पितृ देवाय नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप करना है। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है कि इस जो है नहाने के पानी में इसको अच्छी तरह से नहा लेना है, ठीक है। यह बात हो गई सुंदर श्रेष्ठ तुलसी के उपाय की, और अब बढ़ते हैं दूसरे तुलसी के उपाय की तरफ। तुलसी की लकड़ी जो है सोमवार के दिन तोड़ने में और अमावस्या के दिन तोड़ने में कोई दोष नहीं है, इस चीज़ को भी नोट करते भी चलिएगा। किसी कारण से ऐसा आपको लगे कि आज मेरा सोमवार का उपवास है तो तुलसी की लकड़ी को मैं कैसे तोड़ूं, कोई दोष तो नहीं लगेगा, तो आपको बताते हुए चलो इसका कोई दोष नहीं है, यह सुख और परम कल्याणकारी मानी गई है। तुलसी की लकड़ी के तो कई उपाय प्रचलित है, जिसमें से सबसे अच्छा यह उपाय है। इससे आपके जीवन में जो शरीर में रोग पनप रहे हैं उनका भी निदान हो जाएगा। तो दूसरा उपाय यह है, मैंने आपको कई सारे इससे पहले भी दान का एक विशेष उपाय है वह आप कर लीजिएगा, बहुत सरल है, उसमें घर की रसोई में वाला उपाय है। उससे पहले और मैंने दो वीडियो प्रसारित किए हैं जो कि गुरुजी ने ही सोमवार के और अमावस्या के बताए गए हैं, उन्हें ध्यान से सुनकर समझकर आप करते हैं तो निश्चित रूप से सोमवती अमावस्या आपके लिए फल देने वाली होती है। तो मैंने दो उपाय तो आपको बताते बदलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। यह उपाय भी आप सोमवती अमावस्या के दिन पूरे दिन भर में कर सकते हैं, घर पर ही, कहीं नहीं जाना आपको इस उपाय को करने के लिए। आप सभी को ओम श्री तुलसी देव्य नमो नमः कहते हुए, ओम श्री गंगा मैया नमो नमः कहते हुए, या आपके मन में जो भी श्री हरि विष्णु और महादेव से संबंधित मंत्र है उसका स्मरण करते हुए आपको एक कटोरी ले लेनी है और एक गंगा जल ले लेना है। गंगा जल अच्छी अवस्था में, जो थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आपको आवश्यकता पड़ेगी, कम नहीं थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा।
आप सभी को इसे ले जाकर जाना है तुलसी मैया के समक्ष। ठीक है, अब आप सभी को उससे पहले कोशिश करना है कि तुलसी में आप गंगा जल जो है अपने उसमें ही रखिएगा, तुलसी में आप कच्चा दूध चढ़ा सकें, दीप लगा सकें, जल चढ़ा सकें, संभव हो तो आप परिक्रमा लगाएं, बहुत सुफल यह देने वाला माना जाता है। अगर पीपल पूजा नहीं कर पाए हैं, पीपल वृक्ष आसपास नहीं है, तो सोमवती अमावस्या का भाव कर 108 परिक्रमा तुलसी की कर लीजिएगा, दीप लगाइएगा, कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, विधि विधान से पूजा कीजिएगा। अगर 108 न लगा पाएं तो 7 परिक्रमा भी आप तुलसी की लगा सकते हैं। तत्पश्चात आप सभी को जो उपाय बताने जा रही थी वह काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर करना है। घर पर अगर पितृदोष है जिस कारण से संतान उत्पत्ति की दिक्कत हो रही है, बच्चों के विवाह की दिक्कत है, वंश में वृद्धि नहीं हो रही है, तो घर का कोई भी एक सदस्य महिला पुरुष कोई भी कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कटोरी आपको तुलसी की जड़ में रखनी है, काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेना है, अपने हाथ की हथेली में आपको 5 बार या 7 बार अपने पितरों का स्मरण करते हुए और आवश्यक रूप से काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण करते हुए अपने हाथ की हथेली जिसे अंजनी कहा जाता है, मेरे पितरों का तारण हो, अधोगति में कोई गए हैं तो उनको मोक्ष प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने हाथ की हथेली में 7 या 5 बार उस कटोरी में गंगा जल समर्पित करें। समर्पित करने के बाद आप प्रार्थना करें, दीप प्रज्वलित करें, मेरे पितरों का तारण हो, ऐसी प्रार्थना कर आप सभी को इस जो है जो आपने कटोरी में गंगा जल लिया है उसे गंगा मैया का स्मरण कर काशी विश्वनाथ भगवान का स्मरण कर जो आपने विशेष तौर पर तुलसी का क्यारा है उसमें है बाद में आपको समर्पित कर देना है। ठीक है, यह तुलसी का उपाय बहुत अधिक फल देने वाला होगा इस विशेष सोमवती अमावस्या के दिन, बहुत श्रेष्ठ यह कार्य माना जाता है। अगर जो व्यक्ति से कर लेता है वह स्वतः ही परम सुख प्राप्त कर लेता है, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। तो 3 उपाय में से कोई एक उपाय आप करिएगा, लाभ आपको मिलेगा। यह अमावस्या कोई साधारण अमावस्या नहीं है, सोमवती अमावस्या है, भाग्य इससे बदलते हैं ऐसा शास्त्र प्रमाण कहता है। जीवन में हार रहे हैं, दुख तकलीफ से जूझ रहे हैं, कष्ट संकट पीड़ा आपको परेशान कर रही है, तो सोमवती अमावस्या को आपको छोड़ना नहीं है, बहुत अधिक इस दिन का लाभ उठाना है। इस दिन अन्न का दान ज़्यादा से ज़्यादा करें, पीपल पूजा आपको ज़रूर से करनी है, इस बात का आप ध्यान रखें। पीपल पूजा आप सभी को, अगर कोई ऐसी समस्या है 108 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 7 परिक्रमा कच्चा सूत लेकर आप करें, पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध काले तिल मिला हुआ जल जरूर से समर्पित करें। ऐसा करने से भी दुर्भाग्य दूर होता है और पीपल वृक्ष की जड़ में कोशिश करें आप 2 दीपक लगा पाएं, एक तो अपने पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए, एक श्रीहरि विष्णु का ध्यान करते हुए, यह भी बहुत अधिक सुख देने वाला होता है। सोमवार की पावन पवित्र तिथि है, महादेव का सुंदर 108 सफ़ेद फूल या सफ़ेद फूल की पंखुड़ी से मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर भी श्रृंगार करना अत्यधिक लाभदायक माना जाता है। गुरु जी कहते हैं ऐसा करने से परम सुख मिलता है, रोग कष्ट कर्ज पीड़ा से भी मुक्ति मिलना आरंभ हो जाती है। तो इस तरह से यह तुलसी का उपाय प्रथम लकड़ी वाला भी करें, दूसरा यह गंगा जल वाला भी करें, तीसरा जो प्रथम में 108 चावल वाला उसे भी एक साथ आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत दोष की बात नहीं है। कोई प्रश्न हो कमेंट्स के द्वारा पूछिएगा। हर हर महादेव।